भैया क्या रेट है ये? 100। और वो 200। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। टाइटल से ही आपको पता चल गया है कि आज का व्लॉग होने वाला है आपका वन ऑफ द फेवरेट व्लॉग, दैट इज स्ट्रीट शॉपिंग। तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा स्ट्रीट शॉपिंग जयनगर में क्या हो रहा है, क्या नया आइटम है और क्या खलबली मच रहा है उधर देख के आते हैं। तो या आज है वीकेंड, तो वीकेंड पे तो बहुत ही अच्छा मार्केट उधर बैठता है, तो इसलिए बेबी हाजिर है, मेरा ड्राइवर, और हाय बोल दो बेबी। हे गाइस। या तो अभी हम जा रहे हैं जयनगर की तरफ और मौसम ना बहुत मतलब क्लाउडी वगैरह ऐसा हो रखा है, तो पता नहीं जाते जाते बेबी वो कमर्शियल स्ट्रीट वाला सिचुएशन ना हो। एक बार हुआ था ना कमर्शियल स्ट्रीट पे, हम गए थे और फिर वापस आ गए थे बारिश के। हाँ, आज भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, बहुत ही क्लाउडी हो रखा है, तो देखते हैं गाइस, होप फॉर द बेस्ट। एंड वी आर हियर इन जयनगर, सो दिस इज द जयनगर बस स्टॉप एंड दिस इज द मार्केट। हर बार हम इधर से शुरू करते हैं, तो इधर से चले आज कहीं नई जगह पे चलते हैं। हाँ, आज इधर से स्टार्ट करते हैं। बेबी पहले मुझे दिख गया जो मैंने कमर्शियल स्ट्रीट से खरीदा था ना, जो ड्रेस वाइट एंड ब्लू का वो वाला ड्रेस, उधर देखो भी देखो वो जो पिंक एंड ये वाला ड्रेस, क्या प्राइस पूछ रहे हैं? मैंने 450 में लिया था, पूछो। अगर आपको फुल लेंथ मैक्सी वाला लेंथ चाहिए तो 750 बोल रहा है और नी लेंथ का 650 बोल रहा है। मैंने कमर्शियल स्ट्रीट से 450 में ख़रीदा था, लेकिन उधर भी प्राइस 600 अराउंड कुछ बोला था, फिर बार्गेन करके हमने लिया। इधर भी बार्गेन करके आई थिंक 500 अराउंड बोलेंगे। कलर कैसा रहा, दिखाओ जरा मैडम। ये वाला अच्छा लग रहा है, देखो पर्दा जो है कर्टन जैसा दिख रहा है, और ये फ्रिज का साइड वाला, ये एक्चुअली हमारा फ्रिज का कलर ऐसा है, ये फ्रिज का कलर ही है, सिल्वर कलर है ना हमारा फ्रिज का। तो रेड कलर में ले गया मैरून में, ये वाला रेट क्या है पूछो सर, ये रेंज क्या है इनका? तो ये कितने का है? ये 200 और ये ओके। कलर अच्छा है रे? अच्छा ही लगेगा, कोई दूसरा देखो। अच्छा ही है, ठीक है ये अच्छा। ये वाला ले लो, वाह ये बहुत ही अच्छा है भैया। किसका है? 350। ये प्लेन और प्रिंटर वाला 250। हाँ, यू आर देयर ऑन YouTube। नो मास्क पहन के भी लोग पहचान जाते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। इधर मुझे एक सब्सक्राइबर से बात हुई कि शी वॉच्ड माय वीडियोस, है ना, मास्क के भी पहचान जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। यस, जयनगर भी अपने नॉर्मल मूड पे आ गए हैं, बहुत सारे लोग हैं विथ मास्क, ऑब्वियसली सब चल रहे हैं एंड हाँ सब कुछ नॉर्मली दिख रहा है ना। यस, कलर मिलेगा इसका और ये पैंट 350 स्ट्रेट पैंट। चलो अहम लग गया, ये हर में भी सुन लो,
भैया क्या रेट है? 100 है। ये व्हाइट वाला देखो कैसे। भैया क्या रेट है ये? 100। और वो ये सारा 200 का है। 200 200 200। इस बार इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। 100 200 का है लेकिन इतना अच्छा कुछ नहीं है, जो है टूटा फूटा जैसा लग रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। फिर भी क्या आपको खाना है? भूख लगी है क्या? थोड़ा थोड़ा। तो कॉर्न खाते हैं, चलो स्वीट कॉर्न। आई लव स्वीट कॉर्न। देखो शक्ल कैसे बना रहा है। अभी कुछ नहीं मिल रहा है बीबी। मैंने बस एक प्लाजो लिया है जो आपने देखा है, पिंक कलर का प्लाजो। वो 300 रुपीज़ का मिला है, वो अच्छा लगा है। बाकी और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इतना। क्या करे, घर चले। हाँ यार, इधर मतलब 100 रुपीज़ सस्ता वाला स्टॉक अच्छा नहीं है आपको। लेकिन कुर्तीज़ अगर आप सोचोगे तो कुर्तीज़ बहुत अच्छा है। और अच्छे रेंज में भी मिलेगा, अच्छे रेंज में भी मिलेगा। 300 400 500 700 200 में के 200 में तो बहुत ही अच्छा कुर्ती मिलता है। चलो फिर मिर्ची कम देना थोड़ा। अभी हम लोग ये जो स्वीट कॉर्न होता है ये खा रहे हैं। तो मैंने बोला था चाट मसाला विद नींबू देने के लिए, तो अल्टीमेटली चाट मसाला तो जैसा नहीं लग रहा है ना बेबी, ये मतलब सब मिक्स हो जाता है। हाँ, तो मतलब मैंने जब पूछा था कि क्या क्या है तो उन्होंने बहुत सारा नाम बताया, तो एक्चुअली सारा एक ही है। मिक्स सबका स्वाद एक ही है, मेक्सिकन अमेरिकन सब एक साथ मिक्स होके एक हो जाता है। ये फलाना सब एक लगता है ऐसा। अभी मेरा जो सर है ना दर्द करने शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ द हेयर बैंड। ये थोड़ा सा टाइट है, ये होता है स्टाइल मारने का चक्कर। नहीं क्या है ना, मैं कोई लूज चीज पहन सकती हूँ लेकिन टाइट कुछ भी मुझे मतलब सूट नहीं होता है। उसके बाद मुझे तकलीफ होना चालू हो जाता है। हेयर बैंड के साथ तो और भी ज्यादा होता है, मुझे सर दर्द होना चालू हो जाता है। लेकिन अच्छा लगता है ना, आप लोग बताओ। हेयर बैंड के साथ बहुत अच्छा लगता है, मैचिंग मैचिंग। और मैंने ना अमेजन से पैक ऑफ 24 आई थिंक और 12 ऐसा कुछ है मैंने मंगवाया है। तो हर तरह की हर कलर की हेयर बैंड है मेरे पास। सो नाउ आई एम बैक एट होम और मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या परचेस किया है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया है ये पिंक प्लाजो मैंने लिया है 300 रुपीज़ में और ये काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। ये नीचे भी आप देख सकते हो ऐसा काम किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने परचेस की है एक ईयरिंग और दैट इज़ ऑल्सो अ हुप। ये थोड़ा डिफरेंट सा हुप लगा मुझे, ये 50 रुपीज़ का है, ओनली 50 रुपीज़। तो ये मैंने लिया है। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है एक फ्रिज का कवर और ये वाला बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, 150। एक्चुअली 250 बोल रहे थे, फिर हम लोगों ने बार्गेन की है फिर 150 में दिया है और काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। ये प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, ये थोड़ा सा यू नो कुशन जैसा है, थिक है और ये डबल कोटिंग है ऊपर नीचे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा है तो इसलिए हमने ये लिया है। अभी मैं फटाक से फ्रेश हो जाती हूँ, मैं फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, क्लीन हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड आई एम बैक आफ्टर फेस वॉश। तो मैं जनरली नैपकिन यूज़ करती हूँ फेस वॉश के बाद, टिश्यू से ही मैं अपना मुंह पोंछ लेती हूँ क्योंकि यू नो बार बार वो टॉवल चेंज करना हाइजीन के लिए, एक टॉवल दो दिन आप यूज़ नहीं कर सकते हो तो 7 दिन के लिए 7 टॉवल होना चाहिए, वो चेंज करना ये सब मुझे बहुत हेक्टिक लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है टिश्यू बहुत कन्वीनियंट होता है और कागज़ का भी होता है तो इको फ्रेंडली होता है। तो मैं जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ टी ट्री फेस वॉश फ्रॉम मामा अर्थ एंड टी ट्री विथ नीम फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स। एंड आपको पता है आई एम अ एक्ने बेबी।
तो मुझे हमेशा पिंपल एक्ने होता रहता है. एंड रिसेंटली मैं एक ब्रांड ट्राई कर रही थी और उसके दौरान पहले थोड़ा कम हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारा मुझे ब्रेकआउट्स हुआ है, जैसे कि इधर एक दिख सकते हो और ये काफ़ी बड़ा वाला यू नो ग्रो कर रहा है, इधर एक और है, तो ऐसा काफ़ी ब्रेकआउट्स हो रखा है. तो इसीलिए मैंने सोचा कि अरे यार छोड़ो ये सब, मेरा जो ट्रस्टेड ब्रांड है उसी का हम यूज़ करते हैं, तो मामाअर्थ का ये एक्ने के लिए स्पेशल एक्ने पिंपल के लिए, क्योंकि इसके अंदर टी ट्री है, नीम है, जो पिंपल एंड एक्ने के लिए अल्टीमेट सोल्यूशन होता है. एक्सेस ऑयल जो होता है वो कम कर देते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो एक्ने पिंपल का बैक्टीरिया ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है. उसके साथ साथ मैं यूज़ कर रही हूँ ये मास्क भी, विच इज़ मामाअर्थ टी ट्री फेस मास्क. तो ये दोनों कॉम्बो विल बी डेडली कॉम्बिनेशन फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स, तो इसीलिए ये दोनों मैं अभी यूज़ कर रही हूँ. और ये जो मास्क है तो अभी मैं अप्लाई भी करूँगी, दिखने में बहुत अच्छा है, पता है, ये देखिए दिखने में बहुत अच्छा है एंड अप्लाई करने में भी और भी अच्छा है. दो तीन बार मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ मैं अपने फेस पे, मुझे बहुत अच्छा लगा है. बेस्ट थिंग इज इसके साथ टी ट्री तो है ही, उसके साथ है सैलिसिलिक एसिड जो हमारे स्किन के अंदर तक जाते हैं और स्किन का जो टारगेट प्रॉब्लम होता है, मतलब मेरे जैसे कि एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम, तो वो सारा प्रॉब्लम सैलिसिलिक एसिड और BHA एसिड जो होते हैं वो सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं. सो प्रॉब्लम अगर स्किन में होता है देन आई स्टॉप बाय दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है एंड दे आर केमिकल फ्री, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है. एंड एज यू ऑल नो मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड और इसके साथ साथ इनका जो इनिशिएटिव है टू प्लांट ट्रीज वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो हर एक प्रोडक्ट जो अब उधर से ऑर्डर करेंगे, परचेस करेंगे, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लान एंड उसके बाद जो लोकेशन है, जियोलॉजिकल लोकेशन, स्पीसीज सब आपको भेज देंगे वो लोग. एंड आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग माई फेस, तो यह बहुत ही क्लीन फील होता है बिकॉज है इसके अंदर टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड. सो अभी मैं मॉइस्चराइज करूँगी अपना स्किन और उसके बाद आज का कुछ काम भी है वो सब करूँगी. सो इनकेस यू वॉन्ट टू चेक इट आउट, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा mamaearth.in के वेबसाइट में विद दिस कूपन कोड krishna2021 एंड इसके साथ Amazon Nykaa Purple पे भी मिल जाएगा. mamaearth का नया ऐप लॉन्च हुआ है जहाँ पे अगर आप डाउनलोड करोगे, साइन अप करोगे, तो mamaearth का जो भी नया नया यू नो डिस्काउंट चलता है तो वो सारा डिस्काउंट का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, है ना, ये बहुत ही एक्साइटिंग. तो या यू कैन डाउनलोड इट, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैं दे दूंगी. एंड चलो फिर अभी मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ शूट करना है तो फिर से मैं मॉइस्चराइज करूँगी, सब कुछ करूँगी और मेकअप करूँगी. बाय द वे मेकअप नहीं था जब मैं जयनगर गई थी, मैंने बस आईब्रोज और थोड़ा आईलाइनर डाल के गई थी. तो अभी मैं शुरू से मेकअप करूँगी क्योंकि कल हमारा शायद कुछ प्लान बनेगा, तो आज बहुत कुछ शूट करके रखना है. चौंक गए हो क्या सडनली इतना मेकअप के साथ? मैंने कहा था ना मुझे शूटिंग करना है, तो मैंने बैठ के पूरा शूटिंग किया है एंड या माय मेकअप लुक्स नाइस नाइस. आजकल मैं कॉन्टोरिंग थोड़ा अच्छे से सीख रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मैं पहले नहीं करती थी ना, तो अच्छे से अभी मैं ट्राई कर रही हूँ. तो या अभी मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ और चल रहा है और अभी कैसा, आई थिंक मेरा फर्स्ट मेकअप यूट्यूब शॉर्ट जाएगा, आज मैंने वो शूट किया है. तो बहुत सारे मेकअप वीडियोस मैं यूट्यूब शॉर्ट पे देख रही थी, तो मुझे भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी करूँ, तो मैंने कर लिया है, तो दो आएगा. सो या आई एम एक्साइटेड एंड फिर से बैक टू माय ओरिजिनल अवतार. तो आज सुबह से मतलब काफ़ी हलचल हुई है मेरे, मतलब हलचल मतलब मैंने काफ़ी सारा काम किया है सुबह से, सच अ प्रोडक्टिव डे. तो ये जो मेरा बेडरूम है, आज मैंने बेडरूम साफ़ किया है, डीप क्लीनिंग, मतलब घिस घिस के ये सब जो है बेड की साइड पे, ये टेबल, फिर लैम्प, फिर मेरा वैनिटी के ऊपर और प्लास्टिक वाला वैनिटी सारा मैंने, वो होता है ना जो धूल मिट्टी जम जाता है, तो वो सब मैंने घिस घिस के साफ़ किया है. फिर बहुत सारा काम किया है. उसके बाद लंच करने के बाद हम जयनगर गए थे. तो या अभी मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है एंड आप लोगों ने मेरा मतलब
पूरा बेयर फेस भी देखा है, हल्का सा मेकअप वाला फेस भी देखा है, और बहुत सारा मेकअप वाला फेस भी हम लोगों ने देख लिया है आज। तो काफ़ी काइंड ऑफ ट्रांजिशन वाला डे था आज, और अभी मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं अभी सो जाऊंगी। और या आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल था, काफ़ी इवेंटफुल था। और आप लोग बताओ कैसा लग रहा है मेरा ये स्ट्रीट शॉपिंग वाला व्लॉग। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, तो फिर मैं और भी बना सकती हूँ। कल का प्लान देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो हम इधर ही शिवरात्रि करते हैं, बहुत थक चुकी हूँ। सो या सी माय नेक्स्ट वीडियो टुमारो, टिल देन बाय। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, वो है ये कि आई एम एक्साइटेड अबाउट द मेकअप वीडियो विच इज़ कमिंग ओवर माई चैनल। तो पता नहीं कैसा है, मैंने बस शूट किया है, अभी तक मैंने देखा भी नहीं है कि कैसा आया है लैपटॉप पे, या एक्चुअल में जब मैं एडिट करूँगी तो वो कैसा दिख रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, मेरा मेकअप कैसा दिख रहा है। बट आई एम एक्साइटेड टू शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियो। और ठीक है, मेकअप मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा करते करते मुझे आदत हो जाएगा, मैं और भी अच्छा हो जाऊंगी, मैं प्रो बन जाऊंगी, करते करते ही होते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय।